ब्रेकिंग, आलमबाग के श्रृंगार नगर में बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली जा लगी एक दुकान के शटर में। सवारियों को बैठाने के विवाद में देर रात हुई फायरिंग। पीड़ित फायरिंग की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंचे थे पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी। स्थानीय पुलिस गोली की घटना को छिपाते हुए दिखा रही केवल दो पक्षों का विवाद। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश फायरिंग कर मौके से हुआ फरार। आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित श्रृंगार नगर में बदमाश फायरिंग कर हुए फरार वकार हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज खान। आपके ऊपर हमला हुआ है, किन लोगों ने किया था, कहां से आए थे, क्या था पूरा मामला? मैं उन लोगों को तो जानता नहीं हूँ। वो आए थे लाला भाई की पूछने, मुझसे पूछ रहे तुम कौन हो। मैंने मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। तो फिर नीचे आके ऑफिस बंद करवाया, जैसे ही फायर करा सीमेंट साइड हो गया, गोली शटर में लगी। आगे कितने फायर किए थे और किस चीज से किया? एक फायर करा था बंदूक से, मुझे नहीं पता कैसे करा था। बंदूक से कोई लोग थे, एक ऑटो था और तीन चार पाँच छः मोटरसाइकिल थी। लगभग कितने लोग रहे? लगभग से 12 से 15। 12-15 गोली चली है आपके सामने से? हाँ, मेरे सामने चली है, मेरे साइड में से निकल गई है, इधर से राइट साइड में से। क्या था पूरा मामला, कोई वजह नहीं बताई? पुरानी कोई रंजिश रही होगी? पुरानी रंजिश होगी इनकी लाल भाई से, किसी से भी। मैं ऑफिस से बाहर बैठा था। आपके ऊपर किस चीज़ से हमला हुआ? मेरे तो इधर से ले गए सोजानपुर में से, मैं भागा, गोली चली तो मुझे टेम्पो में उठा के ले गए, नहर पे छोड़ा था मेरे को। क्या उठा के ले गए आपको टेम्पो में भर के? हाँ, उठा के नहीं, नीचे उतार के खींच के। हाँ, आशीष श्रीवास्तव मेरा नाम है। विवाद उनका ऑफिस आगे पड़ता सिंघानगर में, हमारा ऑफिस पड़ता आलमबाग में। ट्रेवल्स का ऑफिस है, ट्रेवल्स का दिल्ली अगर हमारी जाती हुई बेचते, हम भी बेचते हैं, तो हमारे पास काम हम आता तो कहते थे हमारा काम चल नहीं पा रहा, अपना ऑफिस बंद करो, नहीं बंद करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो उसके बाद परसों झगड़ा लड़ा हुआ किसी को लेकर, तो वहाँ बात ख़त्म हुई थी। उसके बाद कहा गया हमसे कि क्या बोलते हैं कि अब जाओ अपना अपना काम करो, ये सब करो वो करो, खत्म मामला। आज आके गोली चला दी उसने, ये अंदर थे और जिनके ऊपर जिनको उठा के इनको मारा, इनकी खोपड़ी और पता नहीं किससे बट से खोली, की ईट से खोली, वो खुद ही बताएंगे आके। और उनका मेडिकल होने गया है, फिरोज खान नाम है उनका। क्या कोई पुराना विवाद आप लोगों के बीच रहा है? विवाद सर यही था जो था। किस बात पर? ट्रेवल्स वाले काम को लेकर। ट्रेवल्स के काम को लेकर कितने लोग आए थे? मैं तो सर वहाँ पे मौजूदा नहीं था, बंदा वहाँ पे था वो भी थे जिनका मेडिकल होने गया है। तो क्या गोली चली है? जी, गोली चलने की बात सामने आ रही है, तो क्या गोली चली है? गोली चली है सर, कटर में छेद भी हमारे जिनका मेडिकल। क्या मामला था, गोली चलने की बात सामने आई है, क्या था पूरा मामला बताओ? पूरा मामला ये था कि हम लोग सवारी थे, मतलब नीचे और भी बेसमेंट में सवारी थी, तो 20 से 25 लोग आए और पूछने लगे आशीष लाला कहाँ है। तो हम लोगों ने कहा कि सर वो तो यहाँ पे इस वक्त नहीं है। तो एक तो मामू नाम के हमारे यहाँ बंदे हैं, वो भी काम करते हैं, उनको बताया, फिरोज खान नाम है उनका, उनको बुलाया गया, उनको लेके गए बाहर और शटर बंद करके फायरिंग की गई। क्या राउंड फायरिंग की गई? एक राउंड फायरिंग की, मतलब एक बार शटर पे गोली मारी गई। और इसके बारे में और कुछ जानकारी? कितने लोग थे और किस चीज़ की दुकान थी और किस बारे में लड़ाई? सर बस का ट्रैवलर्स का काम है, तो सवारी वगैरह की चक्कर में कोई विवाद हुआ था और 20 से 25 लोग थे। किस मामले में लड़ाई हुई थी, किस बारे में बोल रहे थे, मतलब पहले से कोई विवाद रहा हो आपस में? पहले से कोई विवाद क्या सर, ऑफिस का विवाद था। एक मिनट, ऑफिस का विवाद था कि उनका कहने का मतलब यह है।